हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो एंड दिस इज़ मोस्ट ट्रेंडिंग कार ऑफ इंडिया और टॉप सेलिंग कार भी इसको कह सकते हो, बिकॉज नेक्सॉन ने अब की बार टॉप सेलिंग की लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन ग्रैब की है। एंड क्यों ना हो, क्योंकि यार लुक्स वगैरह देख सकते हो कितने ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं इसमें, फीचर्स एंड पावरफुल इंजन देखने को मिलता है। एंड दिस इज़ दी स्मार्ट वेरियंट जो कि इसका बेस मॉडल आता है। एंड वाई दिस कैन बी अ बेटर ऑप्शन फॉर दोज पीपल हु आर सर्चिंग फॉर हैचबैक और माइक्रो SUV, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो अगर प्राइस की बात करें तो ये कार कॉस्ट कर जाती है पेट्रोल में ऑन रोड 9,30,000 रुपये। और अभी मैं हूँ टाटा मोटर्स ओबेरॉय देहरादून में। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनी ऑफ टाटा कार, यू कैन कॉन्टैक्ट टू शोरूम, डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। इंजन स्पेक्स की बात करें सो दिस कार प्रोड्यूस 118 BHP एंड 170 Nm टॉर्क। 1.2 लीटर का रेवेट्रॉन इंजन आता है इसमें, तो अच्छी खासी पावर डिलीवर कर देता है। पावर के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं है, बस हाँ ये है कि थोड़ा सा लोगों को ये रहता है कि इंजन नॉइस करता है, क्योंकि 3 सिलेंडर इंजन आता है इसमें। बट दैट इज़ नॉट अ बिग इशू, क्योंकि आज के टाइम में हर कोई म्यूज़िक चला के गाड़ी चलाना पसंद करता है, तो वो चीज़ें भी इतनी ज़्यादा नोटिस नहीं होती है। लुक्स की बात करें सो यू कैन सी कितनी ज़्यादा ह्यूज लगती है गाड़ी देखने में, एंड काफ़ी अच्छी सी लगती है, फ्यूचरिस्टिक सी। लेटेस्ट डिज़ाइन है ऑब्वियसली, क्योंकि अभी 3-4 महीने पहले ही फेसलिफ्ट आया था नेक्सॉन का। एंड यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं इस तरह से DRLs इन बेस मॉडल, एंड नीचे आ जाती है इस तरह से हेडलाइट्स इन हैलोजन। फ्रंट ग्रिल वगैरह देख सकते हो टॉप वेरिएंट की तरह ही है, कोई SH डिफरेंस नहीं है इसमें। एंड यहाँ पर आ जाता है इस तरह से टाटा का लोगो, इस तरह से ग्रिल वगैरह देख सकते हो। टायर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आ जाते 16 inches के टायर्स, रिम व्हील्स हैं, फ्रंट में आ जाते हैं डिस्क ब्रेक्स। एंड इंडिकेटर की बात करें तो इस तरह से मिल जाता है ORVM पर इंडिकेटर, बट ORVM और डोर हैंडल्स जो हैं वो आपको मिलेंगे इसमें ब्लैकआउट में। एंड कोई रूफ रेल्स वगैरह इसमें नहीं मिलेगी, शार्क फिन एंटीना भी इसमें नहीं मिलेगा, एवरीथिंग इज़ बेसिक। बट जो डिज़ाइनिंग है ना वो काफ़ी अच्छी लगती है, इस तरह से देख सकते हो। इसमें मिल जाती है टेल लाइट्स, डिफॉगर, वाइपर वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पर आ जाती है इस तरह से नेक्सॉन की बैजिंग, दिस इज़ दी रेयर स्किड प्लेट। दो आ जाते हैं इसमें रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, एंड यहाँ पर इस तरह से रिफ्लेक्टर आ जाते हैं। टायर की विड्थ वगैरह देख सकते हो ठीक है, एंड ग्राउंड क्लियरेंस इज ऑल्सो वेरी गुड इन दिस कार। 50 lakhs कार्स की बैजिंग आ जाती है यहाँ पर। टाटा इज़ गोइंग ऑन बूम nowadays बिकॉज प्रोडक्ट ही इतने ज़्यादा वेराइटी में एंड इतने ज़्यादा क्रिएटिविटी के साथ ये लॉन्च कर रहे हैं ना, तो यार अमेजिंग है। एंड प्राउड है कि भाई इंडियन ब्रांड इतना अच्छा काम कर रहा है ऑटोमोबाइल में आज के टाइम में। यहाँ पर मिल जाता है इस तरह से रिफ्लेक्टर, डोर पे दो मिलते हैं इसमें पावर विंडोज़, रेयर में आती है इसमें मैनुअली अप एंड डाउन करने के लिए विंडोज़, एंड ORVM को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर मिल जाते हैं इस तरह से कंट्रोल्स, ठीक है। एंड ये पूरा कम्प्लीटली ब्लैकआउट में है, तो इसमें कोई डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन नहीं है बेस मॉडल में। एंड सीट्स की बात करें तो उस तरह से आ जाती है सीट्स का कंफर्ट काफ़ी सही है, काफ़ी सॉफ्ट सीट्स है, ठीक है। एंड दीज आर नॉट हाइड एडजस्टेबल, एडजस्टेबल हेडरेस्ट आ जाता है, पीछे रखा हुआ है, निकाला हुआ है वो तो। एंड अंदर अगर बात करें, एंड दिस इज़ द इंटीरियर ऑफ दिस टाटा नेक्सॉन, यू कैन सी कितना ज़्यादा प्रीमियम लगता है देखने में, बेस मॉडल होने के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। देख सकते हो कि डिफरेंट सा पैटर्न है यहाँ पर थ्रू आउट द डैशबोर्ड। और एयरबैग्स की अगर बात करें तो बैजिंग आपको मिल जाएगी यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, एंड पीछे उधर भी 6 एयरबैग्स आते हैं। सो 5-star सेफ्टी रेटेड तो कार है ही, उसके साथ साथ में भाई 6 एयरबैग्स दे रहे हैं कंपनी वाले, तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और थर्ड साउंड सुनना एक बार, काफ़ी ज़्यादा सेफ फील होती है। एंड चाबी की अगर बात करूँ तो इस कार में मिलते हैं नॉर्मल सी 2 कीज़, बेसिक कीज़ है। सेंटर लॉकिंग इसमें नहीं आती, आफ्टर मार्केट इसमें लगवा सकते हो, मतलब आफ्टर मार्केट सेंटर लॉकिंग और इंफोटेनमेंट सिस्टम और स्पीकर्स ये इजीली लग जाते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बट वही है कि यार हैचबैक के प्राइस में अगर SUV मिल रही है तो उससे अच्छी चीज़ कुछ नहीं हो सकती। एक बार गाड़ी को ऑन कर लेता हूँ, और यहाँ पर मिलता है इल्यूमिनेटेड लोगो के साथ में स्टेयरिंग, 2-spoke स्टेयरिंग है। अभी बैटरी डेड है गाड़ी की, एंड जैसे पहले आता था नेक्सॉन में उसी तरह से मिलेगा नॉर्मल से इसमें डिजिटल क्लस्टर। एंड यहाँ पर कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम का सेटअप वगैरह नहीं है, ऑब्वियसली दिस इज़ अ बेस मॉडल। एंड नीचे बात करें तो इस तरह से एसी वेंट्स वगैरह मिल जाते हैं। जो डिज़ाइन है डैशबोर्ड का वो काफ़ी अच्छा है, और प्लास्टिक क्वालिटी इज़ हार्ड इनफ, मतलब मारुति की तरह दबती नहीं है, जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ। मारुति को छोड़ के और कोई ब्रांड ऐसी नहीं है जिनकी डैशबोर्ड की जो प्लास्टिक है वो दबती हो,
हुंडई की भी काफ़ी हार्ड प्लास्टिक है, टाटा की भी ऑब्वियसली, टाटा तो सेफेस्ट ब्रांड है आज के टाइम में, तो वो चीज़ है। प्लास्टिक क्वालिटी इज़ गुड। एंड यहाँ पर इस तरह से एसी कंट्रोल्स आ जाते हैं, दिस इज़ टू ओपन द बूट, ठीक है। एंड यहाँ पर आ जाता है 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स, एंड काफ़ी सही लगता है दिखने में, कोई दिक्कत नहीं है। और हुंडई की तरह है, बिल्कुल स्मूथ गियर शिफ्टिंग, कोई भी इसमें मतलब वो नहीं है कि यार हार्ड शिफ्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ शिफ्टिंग है। तो इस चीज़ में तो है, एक तो ये हो गया गियर शिफ्टिंग, और दूसरा जो क्लच है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ देखने को मिलता है। तो टाटा ने इस चीज़ में तो भाई अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है कि एक तो स्टेयरिंग व्हील, गियर बॉक्स और स्मूथ इनका जो ये है क्लच, ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, मतलब हुंडई की बराबरी की ही है बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पर इस तरह से बटन प्रेस करेंगे तो इस तरह से ओपन हो जाता है इसमें ग्लव बॉक्स, काफ़ी बिग साइज का है। तो यही है कि यार हर ब्रांड में थोड़ी थोड़ी कुछ कमियां भी होती है, जो कि मुझे नेक्सॉन में सबसे बड़ी कमी लगती है, और सबसे बड़ी कमी खटकती है आँखों में, वो है कि भाई यहाँ पर देख रहे हो होल दे रखा है इन्होंने। जो अपर वेरिएंट्स आते हैं उनमें यहाँ पर मिलता है पुश स्टार्ट बटन, कि बटन को प्रेस करो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, बट लोअर वेरिएंट्स में इन्होंने सिर्फ यहाँ पर नॉर्मल से इस तरह से होल छोड़ दिया यार, मतलब इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। इसको बंद करते है ना, या कुछ यहाँ पर लगा सकते थे स्टिकर वगैरह, या कुछ कवरिंग दे सकते थे, बट नॉर्मल इन्होंने यहाँ पर इस तरह से एम्प्टी छोड़ रखा है इसको। तो ये चीज़ काफ़ी बुरी लगती है देखने में, मतलब इतना अच्छा अगर कंपनी कर रही है तो यार छोटा भी नहीं है, तो देख रहे हो कितना बिग साइज का होल है, ऐसे ही छोड़ रखा है। खैर जब स्टेयरिंग नीचे हो जाता है तो ये दिखता नहीं है इतना, बट अगर आप स्टेयरिंग को ऊपर करोगे तो फिर ये थोड़ा सा दिखता है, ऑड लगता है थोड़ा। अगर बात करें बोनेट की, तो पूरा बोनेट विजिबल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पर आ जाता है इस तरह से नॉर्मल IRVM, डे एंड नाइट एडजस्टेबल ये नहीं है। और यहाँ पर बात करें तो इस तरह से आ जाती है केबिन लाइट, ठीक है। पैसेंजर ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर आ जाती है, एयरबैग्स को ऑन ऑफ करने के लिए, जो यहाँ पर एयरबैग है ना उसको ऑफ कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसमें लाइट वगैरह आ जाती है। एंड यहाँ पर आ जाता है इस तरह से कंसोल, ठीक है, काफ़ी बेसिक सा है, इतना ख़ास नहीं लगता क्योंकि काफ़ी बॉक्सेस वगैरह इसमें दे रखे हैं, थोड़ा सा कवरिंग होती तो काफ़ी अच्छा लगता, अपर वेरिएंट्स में कवरिंग आती है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी डैशबोर्ड। एंड अब चलते हैं पीछे, एक बार पीछे से दिखा देता हूँ। तो पीछे इसमें बेस्ट चीज़ है कि बेस मॉडल में मिल जाता है एडजस्टेबल हेडरेस्ट, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ सेम। कंफर्ट वगैरह काफ़ी अच्छा है, इस तरह से देख सकते हो, सॉफ्ट क्लोज के साथ में ग्रैब हैंडल्स हैं, और रेयर में कोई एसी वगैरह, एसी वेंट इसमें नहीं मिलेगी बेस मॉडल में। तो यही है, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टाटा नेक्सॉन। एंड डेड पेडल की अगर बात करें तो इसमें डेड पेडल तो है ही नहीं यार, डेड पेडल देना चाहिए था, तो ये भी एक नेगेटिव है। एंड बूट स्पेस की बात करें, सो बूट स्पेस भी अच्छा खासा मिल जाता है इसमें, वही ब्रेजा वाला, कोई उसमें एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। बट कुल मिला के बात यह है कि यार प्रोडक्ट, ओवरऑल प्रोडक्ट की अगर बात करें सो वहाँ पर ये गाड़ी काफ़ी अच्छी प्रूव हो जाती है, बिकॉज लुक्स वगैरह तो काफ़ी अच्छे हैं इसमें, फ्रंट से काफ़ी अच्छी लगती है कार, रेयर से काफ़ी अच्छी लगती है, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स के साथ में आती है, इंजन भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो ओवरऑल अगर प्रोडक्ट की बात करें जाए तो दिस इज़ अ बेटर प्रोडक्ट। सो दैट्स ऑल गाइज अबाउट दिस वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।